ಜ್ಞಾನಂಬೋಧಿಗಳಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ತಿಜಂಬೋ ಫಲಚಾರು ಭಕ್ಷಿಣಂ ಉಮಾಸಿತಂ ಸೋ जय जय श्री राधा रमण बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। लखन लाल की जय हो। सच्चे मेरा सभी धर्म प्रेम श्रीमद भागवत प्रांगण में प्रधान की कृपा करेंगे। पूज्य महाराज श्री वंशासन हो चुके हैं। एक बार सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जितने भी लोग बैठे हुए सभी लोग पूज्य महाराज श्री पधार चुके हैं। एक बार प्रेम से जय घोष करें। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय सीताराम जय जय राधे श्याम जय जय राधे। पूज्य महाराज श्री का पादर पर हो चुका है। मेरा निवेदन है सारे भक्तों से जो इधर उधर घूम रहे हैं, आप लोग कथा प्रांगण में पधारे और सुंदर सा स्थान ग्रहण करें, क्योंकि कथा का समय पूर्ण हो चुका है। आज प्रथम दिवस की कथा कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रही है। आइए कथा के शुभारंभ में अनंत अवलोकन धनवंत लाल जी महाराज के शीश क्षणों में प्रार्थना करते हुए सुंदर से आप लोगों की हमारे साथ सभी लोग सुंदर सी वाणी में सभी भक्त मिलकर के हनुमान जलस का पाठ करेंगे। निज मन मुकरे सुधा बरनौ रघुबर बिमल जस जोदा फिर जा बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बलिबुद्धि विद्या दे हुमो। बड़े भाग से सारे भक्त में गए जय हनुमान ज्ञान गुण ಸೀತಾಮಣಿ ಸಹಾರಿ ಅಸುರ ಸಹಾರಿ
सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि निदम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् श्रीमद्भागवतं रसमालयम् मोरवो रसिका भुवि भावुका जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु श्री जय जय माखन चोर राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे
Thank you.
भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। श्री गंगा मैया की जय जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो। श्री सरयू मैया जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सदग्रंथन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हरि हि ओ। पते हर हर महादेव। अनंत श्री विभूषण परात्पर परिपूर्णम ब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार रूप से संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त एवं सगुण साकार रूप से मानव शरीर धारण करके जगत कल्याणार्थ धर्म रक्षार्थ गौ ब्राह्मण संत हितार्थ विचरण करने वाले प्रातः स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ योगी वर्य परमहंस श्री सद्गुरुदेव भगवान के पति पावन चरणों में सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम। जिनका मंगलमय चरित्र, जिनकी पावन कथा, जिनकी तात्विक सात्विक चर्चा प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला गोधाम महातीर्थ आदर्श गौशाला के इस पुनीत प्रांगण में हम सब कहने और सुनने हेतु एकत्रित हुए हैं। अखंड मंडलाकार के रचयिता यशोदा नंदन, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन भगवान श्री बालकृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए शुकमुख निहसृत निगम कल्प तरूर गलित ब्रह्मर्षि वेद व्यास प्रणीत पारमहंस संहितायाम भगवान के वांग्मय विग्रह लीला में स्वरूप ग्रंथावतार श्रीमद् भागवत महापुराण की स्तुति करते हुए इस महायज्ञ में पधारे हुए सभी संतजन, अतिथिजन, विप्रजन, मंचासेन स्वामी और देशानंद जी महाराज इस गौशाला का संचालन कर रहे पूज्य स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज एवं स्वामी मधुरेन्द्रानंद जी महाराज मेरे सन्मुख उपस्थित ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं बहनों समस्त धर्मानुरागियों भगवत प्रेमियों आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। यह निश्चित है जन्मांतरम भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तब भागवत की कथा हमें कहने और सुनने का सौभाग्य मिलता है। यदि कई जन्मों के पुण्य कर्म न हो, सत्कर्म न हो,
न तो भागवत की कथा कराने की प्रेरणा होगी, न किसी को भागवत की कथा करने की प्रेरणा होगी, और न किसी को भागवत की कथा सुनने की प्रेरणा होगी। बिना प्रभु की कृपा के न कोई भागवत कथा कर सकता है, न यह पुनीत भागवत कथा करा सकता है, और न भागवत कथा को सुन सकता है। करने वाले भी परमात्मा हैं, कराने वाले भी भगवान हैं, और सुनने वाले भी भगवान ही हैं। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। यह संपूर्ण संसार विष्णुमय है, ब्रह्ममय है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अतिरिक्त, एक परम चेतन के अतिरिक्त, परम सत्य के अतिरिक्त यहाँ पर दूसरा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मार्पणम्, अर्पण भी ब्रह्म है। ब्रह्म हवे, अर्पण की जाने वाली सामग्री भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, जिसमें हम अर्पण करते हैं अपना भाव, वह भाव भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, और इस प्रकार क्रिया भी ब्रह्म, कर्ता भी ब्रह्म, हवि भी ब्रह्म। जब सब कुछ एक परमात्मा में ही साधक देखता है, भक्त देखता है, तो उसे फल स्वरूप भी परमात्मा ही प्राप्त होता है। जो कार्य को भी ईश्वर की सेवा समझकर करे, कार्य भी ब्रह्म है। करने की प्रेरणा देने वाला भी वह परमात्मा ही है, जिसके निमित्त किया जा रहा है वह भी परमात्मा है। सर्वम ब्रह्ममयम यदि कोई देखता है, तो फल के रूप में जो उसे प्राप्त होता है वह भी ब्रह्म ही होता है, वह भी परमात्मा ही होता है। उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को प्राप्त करना इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस पुनीत आयोजन के लिए परमात्मा ने जिसके हृदय में प्रेरणा की, इस कथा के यजमान श्री जितेंद्र दीक्षित जी, श्रीमती सुमन दीक्षित जी और उनका समस्त परिवार, आयोजक समस्त गोसेवक एवं श्री कृष्णायन देशी गोरक्षाशाला के सभी संत, ये सभी ब्रह्म स्वरूप ही हैं। मैं करता हूं ऐसा समझना यह सबसे बड़ा अज्ञान है। मैं करने वाला हूं, इससे बढ़कर के मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृतेह क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहं इति मन्यते। सात्विक, राजस और तामस प्रकृति की ये तीनों गुण ही समस्त कर्मों के कर्ता हैं। सतो गुण के द्वारा जब तक ध्यान, सत्संग, पूजा पाठ आदि कर्म होते हैं। रजोगुण के द्वारा खेती गृहस्थी, नौकरी, व्यापार, क्रोध, लोभ इत्यादि होता है। तमोगुण के द्वारा निद्रा, आलस्य और प्रमाद होता है। ये तीन प्रकार की शक्तियां ही समस्त कर्मों के कर्ता हैं। अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकारी है, मूल है, जड़ बुद्धि है, वही ऐसा समझता और मानता है कि मैं किसी कर्म का करता हूं। हमारे संसार में बार बार आने का, इस माया चक्र में फंसने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने को कर्ता समझते हैं कि मैं करने वाला हूं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारे दुखों का, हमारे क्लेशों का, हमारे मन की अशांति का है कि हम इस संसार को अपना मानते हैं। अपने को करने वाला मानना, और ये मेरा है, संसार सच है
और संसार की ये चीजें मेरी हैं, ये भावना ही हमारे दुख का कारण है, ये भावना ही हमारे क्लेश का कारण है। जो ज्ञानी जन है, बुद्ध जन है, तपस्वी जन है, विद्वत जन है, भक्त जन है, वो ऐसा कभी नहीं कहते कि मैं किसी कर्म का करता हूं, या ये संसार मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये संपत्ति मेरी है। वो हृदय में ये भाव रखते हैं। भगवान ने देखने के लिए आंखें दी और आंखों में देखने की शक्ति भी उस भगवान ने दी, फिर मैं कर्म का कर्ता कैसे हो सकता हूं? यदि परमात्मा आंखें न देता, अंधा बना देता, तो फिर इन आंखों से कैसे देखा जाना संभव होता? बुद्धजन ये जानते हैं कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। ये कान यदि परमात्मा ने बहरा बना दिया होता तो कैसे सुन पाता? फिर मैं कैसे कहूं कि मैं सुनता? भगवान गूंगा बना देता तो कैसे बोल पाते? कितने लोग कथा में भी बोलते रहते हैं, सत्संग भजन जप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। इसलिए बोलते रहते हैं कि उनको पाप प्रेरणा करता है। लेकिन ज्ञानी जन, भक्त जन हमेशा हृदय में यही विचार करते हैं, हृदय में यही जानते हैं कि मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं। भगवान ने शरीर दिया और कर्म करने की शक्ति दी, तभी इस शरीर से कर्म हो पा रहा है। भक्तजन ये भी जानते हैं, संसार को परमात्मा ने बनाया, ये शरीर परमात्मा ने बनाया, और जितने भी मेरे संबंधी हैं उन सभी का शरीर परमात्मा ने बनाया। अतः न ये शरीर मेरा है और न शरीर से संबंध रखने वाला ये संसार, संसार के लोग मेरे हैं। जिस परमात्मा ने ये शरीर बनाया है और जिस परमात्मा ने इस संसार की रचना की है, ये संसार उसी परमात्मा का है। इसलिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्सतम् समाः एवं त्वयेनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः। कुर्वन्निरेह कर्माणि जिजी विशेष सतम समाह। सत्कर्म करते हुए, धर्म कर्म करते हुए, ईश्वर का भजन करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कितने लोग जीने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन सत्कर्म करते हुए, भजन करते हुए नहीं, भोग विलास करते हुए मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं, अपने पोते नाती के साथ, अपनी संपत्ति के साथ, बंगला मोटर गाड़ी के साथ, मैं 100 से भी अधिक साल तक जीवित रहूं, हमारे को परमात्मा ऐसी शक्ति दे दे कि भोग भोगने में हमें कभी भी कष्ट न हो, मैं भोग भोगने में समर्थ हो सकूं। मनुष्य भोग भोगते हुए लंबे काल तक जीवन जीने की इच्छा रखता है, लेकिन भोगों को वो भोग नहीं पाता, भोग ही उसे भोग डालते हैं। जैसे आम को चूस करके फेंक दिया जाए, वैसे ही भोग मनुष्य को चूस करके और उसे बुढ़ापे की दहली तक पहुंचाकर मृत्यु के मुख में प्रवेश करा देते। पूरे जीवन भोग भोगते 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 वह बुढ़ापे में बिल्कुल सड़े हुए फलों की तरह हो जाता है, जिसके व्यवहार से, जिसके विचार से दुर्गंध आती है। मनुष्य इस भ्रम में रहता है कि मैं भोग भोग रहा हूं, लेकिन होता उल्टा है, भोग उसे भोगते। वो सोचता है कि मैं शराब पी रहा हूं, लेकिन शराब को वो नहीं पीता, शराब उसे पीती। वो ये सोचता है कि मैं भोगों का आनंद, जीवन मिला है। उस जीवन को सत्कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, परमात्मा की सेवा करते हुए जीने की इच्छा रखो। भोग भोगते हुए जीने की इच्छा मत रखो। भोग भोगते हुए जीने की इच्छा पशु पक्षी रखते हैं, मनुष्य तो परमार्थ करते हुए, सत्कर्म करते हुए ही पूरी आयु जीने की इच्छा रखता है। जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती,
ठीक उसी प्रकार से भक्त जन संत जन इस मनुष्य शरीर को पाकर के यह मनुष्य जीवन केवल अपने सुख के लिए जीने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि दधीचि जैसे ऋषि, हरिश्चंद्र जैसे राजा अपने शरीर की, अपने प्राणों की आहुति देकर के भी सभी रूपों में ईश्वर को देखते हुए सबकी सेवा करने में विश्वास रखते हैं, ऐसे जीवन जीते हैं। हम अपने बच्चों की सेवा करते हुए, अपने भोगों को भोगते हुए जीने की इच्छा रखते हैं, लेकिन महापुरुष संत जन भक्त जन सभी रूपों में ईश्वर को देख करके सभी की सेवा करने का भाव रखते हैं, सभी में ईश्वर दर्शन का भाव रखते हैं और इस प्रकार वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऋषि कहते हैं एवं कई नानक हेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरः, तुम्हारे लिए कल्याण का और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कल्याण का एकमात्र उपाय है सभी रूपों में ईश्वर को देख करके निष्काम भाव से सबसे प्रेम करो, सभी की सेवा करो, सत्कर्म करो, भजन करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें यही सिखाती है। भागवत की कथा हमारे मन की व्यथा को दूर करने के लिए, भागवत की कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है। परमात्मा से बिछड़ा हुआ जीव जब 84 लाख योनियों में भटकता है, अनेक प्रकार के दुखों से, क्लेशों से, कष्टों से वो घिर जाता है। परमात्मा से बिछड़ा हुआ जीव जब भजन करके, साधना करके, तपस्या करके समस्त वासनाओं विकारों से मुक्त हो पुनः उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब उसका दुखों का अंत होता है। हमारे दुख तब तक नहीं मिटते जब तक कि उस परमात्मा से हमारा संयोग नहीं होता। दुख और सुख में सिर्फ इतना सा ही भेद है, परमात्मा से वियोग यही दुख का कारण है, परमात्मा से संयोग परम आनंद और परम शांति का कारण है। हमारा परमात्मा से वियोग हुआ, इस जगत में आए, जगत में आकर के ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी धन संपत्ति है, ये मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, मेरा कुल है, मेरी जायदाद है, इस अज्ञान को हम स्वीकार करते रहे, परिणाम स्वरूप दुख अशांति क्लेशों से गिरते रहे। चिंतन के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा, प्रभु कृपा के द्वारा जब वो हृदय में यह जान लेता है कि मैं किसी का नहीं हूं, ना कोई मेरा है, मैं एकमात्र परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है, फिर उसके दुखों का आत्यंतिक उच्छेद होता है। जब तक जीव का परमात्मा के साथ संयोग नहीं होता तब तक उसके जीवन में दुख बना ही रहता है, उसके दुखों के अंत का और कोई उपाय नहीं है। यदि किसी के पास बहुत धन है, धन से तो वो सुखी है, लेकिन धन है तो पुत्र नहीं, पुत्र न होने के कारण से दुखी है, पुत्र है पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, भोगने के लिए परमात्मा ने संपत्ति नहीं दी, गरीबी है। किसी के पास संपत्ति भी है, पुत्र भी है, परिवार भी है, तो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस संसार में कोई यह हाथ उठा करके नहीं कह पाता कि मैं परम सुखी हूं, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं। हम चाहते हैं सदा रहने वाला सुख, लेकिन चाहते किससे हैं? इस नष्ट हो जाने वाले संसार से सुख तो चाहते हैं, लेकिन जिसमें दुखी दुख है उस संसार से सुख चाहते हैं। परमात्मा में ही परम आनंद है, परम सुख है, उस परमात्मा की ओर हम नहीं चलते, उस परमात्मा के निकट जाने का हम प्रयास नहीं करते। परमात्मा से जितनी निकटता बढ़ती है उतना ही आनंद, उतनी ही शांति बढ़ती है, और संसार से जितनी निकटता बढ़ती है
उतना ही दुख और अशांति बढ़ती है। आप संसार में दुख ढूंढते रहोगे तो पर्याप्त दुख प्राप्त कर लोगे, सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन परमात्मा में आप दुख ढूंढोगे तो परमात्मा में आप दुख कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। परमात्मा में दुख नहीं और संसार में सुख नहीं। संसार में सुख नहीं बल्कि सुख होने का भ्रम है, और उस भ्रम के कारण से मनुष्य पूरे जीवन संसार में ही सुख ढूंढता रहेगा। इतना धन हो गया, इतना धन मेरे पास और हो जाता तो मैं सुखी हो जाता। लखपति है, करोड़पति हो जाऊं तो सुखी हो जाऊं। करोड़पति हो जाता है फिर भी सुखी नहीं होता, वो खालीपन बना रहता है, वो दुख बना रहता है। फिर सोचता है अब अरबपति हो जाता तो सुखी हो जाता, अरबपति हो जाता है फिर भी दुख। उसकी खोज की दिशा ही गलत है। वो संसार में सदा रहने वाला सुख ढूंढता है, जब संसार ही सदा रहने वाला नहीं है तो संसार से प्राप्त होने वाला सुख सदा रहने वाला कैसे हो सकता है। परमात्मा सदा रहने वाला है, वह सत है, चित है, आनंद है। उस सदा रहने वाले परमात्मा से जो प्रेम करता है, उस सदा रहने वाले परमात्मा के जो निकट जाता है, उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता, जीवन में कभी अशांति नहीं होती। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक मंगलाचरण में उस परब्रह्म परमात्मा की, निर्गुण निराकार परमात्मा की महिमा बताते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार के कारण है, जो दैहिक दैविक और भौतिक आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण परमात्मा की हम वंदना करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। परमात्मा का स्वरूप कैसा है और संसार का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप परमात्मा सत है, परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। सत उसे कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा रहता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। एकमात्र परमात्मा सत है, और ठीक उसके विपरीत ये जगत असत है, क्योंकि जगत सदा बदलता रहता है। आज सुख है तो कल दुख है, आज सर्दी है तो कल गर्मी है, आज गर्मी है तो कल सर्दी है, आज सम्मान मिल रहा है तो कल अपमान मिलेगा, आज अपमान मिल रहा है तो कल सम्मान मिलेगा। बालक जवान होता है, जवान बूढ़ा होता है, बूढ़ा मृत्यु को प्राप्त कर। संसार सदा परिवर्तित होने वाला है, बदलने वाला है, छरने वाला है, नष्ट होने वाला है, इसलिए संसार असत है। लेकिन वो परमात्मा सत है, सत चित वह परमात्मा ही इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला है। जैसे माँ संतान को गर्भ में धारण करती है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा अपने भीतर इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बीज को धारण करता है। बीज से जैसे वृक्ष प्रकट होता है, उसी प्रकार उस सर्वव्यापक परमात्मा के संकल्प से यह संपूर्ण जगत प्रकट होता है। विश्वोत्पत्यादि हेतवे वह संपूर्ण जगत को बनाने वाला है, संपूर्ण जगत का पालन करने वाला है और संपूर्ण जगत का संहार करने वाला है। कितने लोगों के घर यदि बेटियों का जन्म हो गया तो वे कहते हैं, महाराज अब ऐसी कृपा करो, चार मोड़ी हो गई, चार बेटियां हो गई, एक बेटा भी हो जाए। वो बेटियां उन्हें बोझ सी लगती हैं, अब तो एक बेटा होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटियों के लिए हम जो कुछ भी करेंगे वो बेटियां विवाह के बाद अपने ससुराल चली जाएंगे, वो हमारे लिए तो काम आएगा नहीं। लेकिन बेटों के लिए यदि हम कुछ करेंगे तो वे बेटे कम से कम हमारी सेवा तो करेंगे बुढ़ापे में।
हमारा ध्यान तो रखेंगे, इसलिए हम बहुत बेटियों को बहुत समझते हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब जितनी सेवा बेटियां करती हैं उतने बेटे नहीं करते। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सबका पालन पोषण करने वाले भी परमात्मा है। सभी बच्चियां अपना भाग्य लेकर के आते हैं, बच्चे भी अपना भाग्य लेकर के आते हैं, आप सभी अपना भाग्य लेकर के आए हैं, और जो भाग्य में है वो आपके पास भाग कर आएगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। यदि आपके भाग्य में दुख है तो सारा संसार मिलकर के भी आपको सुख नहीं दे सकता, और आपके भाग्य में सुख है तो सारा संसार मिलकर के भी आपको दुख नहीं दे सकता। अपने सुख और दुख का कारण आप स्वयं हैं, कोई और नहीं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सबका वरण पोषण करने वाला भगवान है। यदि हमसे कोई ऐसा अधर्म कर्म पाप कर्म हो गया है, जिस अधर्म कर्म पाप कर्म के कारण से हमारे जीवन में भयंकर कष्ट आने वाले हैं, भयंकर दुख आने वाला है, हम उस परमात्मा की शरण लेते हैं तो वो उन बुरे कर्मों के संस्कारों को छीण करके दुख के वेग को कम कर देता है। द्रौपदी से अपराध हुआ, उन्होंने दुर्योधन को लक्ष्य करके कहा, अंधे का बेटा अंधा होता है। गाली लगी ससुर को, राजा को, पिता स्वरूप भी है ससुर होने से, और नारायणाम च नराधिपम, राजा है तो भगवान की एक विभूति। परिणाम क्या हुआ? अंधे का बेटा अंधा कहा था, पिता स्वरूप ससुर का और भगवान की विभूति स्वरूप राजा का अपमान किया था अपशब्द कह करके। भरी सभा में जब चीरहरण होने लगा तो सभी अंधे हो गए, लेकिन संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाले परमात्मा की शरण ली द्रौपदी ने, जिसका परिणाम हुआ कि भगवान स्वयं वस्त्र बनकर के उनकी लाज बचाते। और चीरहरण एक ऐसी घटना है, किसी नारी का मान पूरी तरह से हरण किया जाना ऐसी दुखद घटना है जिसे कोई जगत में प्रकाशित नहीं करना चाहेगा, छिपाना चाहेगा, लेकिन भगवान की शरण ली द्रौपदी ने। चीरहरण को भी भगवान ने ऐसा मानपूर्ण बना दिया कि आज द्रौपदी की गाथा घर घर में गाई जाती है। द्रौपदी के दंड को भी परमात्मा ने यश में बदल दिया। कहां तो चीरहरण होना था, निर्वस्त्र होना था, जगत में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, लेकिन भगवान की शरण ली तो जगत का पालन पोषण करने वाले भगवान ने द्रौपदी से जो अपराध हो गया था, अंधे का बेटा अंधा होता है, उस कर्म के संस्कार को छीण कर दिया और द्रौपदी का मान उसकी शरणागति और भक्ति से इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहेगा, तब तक द्रौपदी की गाथा गाई जाएगी, उन्हें बड़े आदर के साथ याद किया जाएगा। सबका पालन पोषण करने वाले भगवान है, कोई किसी का पालन पोषण नहीं करता। माता पिता या संसार के लोग सिर्फ निमित्त होते हैं। कि भागवतकार का कहना है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, आपके शरीर में जो कष्ट है, मन में जो कष्ट है, उन सभी कष्टों का निवारण एकमात्र श्री कृष्ण की कृपा से हो सकता है। अतः श्री कृष्णाय वयम नमः, उस श्री कृष्ण परमात्मा की हम वंदना करते हैं, उनकी शरण लेते हैं। हमें सदा रहने वाला आनंद चाहिए, हमें सदा रहने वाली शांति चाहिए, तो वो इस संसार में नहीं मिलेगी, क्योंकि यह संसार असत है, परमात्मा सच्चिदानंद है, सत्य है, परमात्मा ही सदा रहने वाला है। इसलिए सदा रहने वाले आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप परमात्मा की शरण लो, उनसे निकटता बढ़ाओ, तो तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति का संचार होगा। इस जग की माया नगरी से
इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, सभी गाओ, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ 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 लिया। Thank you.
से है, तेरी माया से नहीं। मिठाया दिल से है, इतना काफी है। तुमने गौर किया इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, प्रभु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, प्रभु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, प्रभु से ऋषि मुनियों की सभा में पुराण वक्ता सूत जी महाराज आए। सभी ऋषियों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, बहुत बड़े शोधकर्ता रहे, जिन्होंने जीवन पर शोध किया। जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं, जीवन किस लिए होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जन्म और जीवन ये दो बातें, जन्म तो सभी को मिला है, जन्म का पता तो सभी को है, लेकिन जीवन का पता हर किसी को नहीं होता। जीवन और जन्म में बड़ा भेद है। जन्म एक कीड़े मकोड़े को भी मिलता है, जन्म वृक्षों को भी मिलता है, जन्म हम सबको मिला है, लेकिन जीवन हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जीवन उसे कहते हैं जिसे मृत्यु कभी छीन ही न सके। जन्म को मृत्यु नष्ट करती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना पड़ेगा, यह अटल सत्य है। जन्म मृत्यु में जाकर के विलीन हो जाता है, जन्म को मृत्यु निगल लेती है, लेकिन जीवन उसे कहते हैं जिसे मृत्यु नहीं निगल सकती।
जिसे मृत्यु नष्ट नहीं कर सकती, उस जीवन का पता किसी बिरले को ही होता है। उस जीवन की खोज की, वो जीवन कहां है जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती, जिसे मृत्यु भी नहीं मार सकती, इस पर शोध करने के लिए नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि पधारे थे। उनमें सब अपना अपना विचार देते और शोध चल रहा था कि वह क्या है जो मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होता, जो परम सत्य है, जहां पर दुख नहीं, जहां पर अशांति नहीं। इस पर उनका शोध चल रहा था। उन 88,000 ऋषियों की सभा में पुराणों के विद्वान सूत जी महाराज पधारे थे। शौनक आदि ऋषियों ने उनकी वंदना की और बड़े ही विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम करुण रसा सूजी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपके ज्ञान का प्रकाश कोटि सूर्यों के समान है। अतः मेरे इन करणों को प्रिय लगने वाली भगवान की कथा का सार आप मुझसे कहें। कथाएं तो बहुत हुई, जीवन पर शोध करते हुए, उस परमात्मा पर, उस परम सत्य पर शोध करते हुए हमने बहुत कथाएं कही, बहुत तर्क वितर्क किए, लेकिन कथा सारम आप सभी का सार मुझसे कहें। हमें बहुत कथाएं नहीं सुनी, हमें तो सार सार सुनना है, और उस सार में आप कृपा करके यह बताएं। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरितांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सके ऐसा जीवन सभी के भीतर है, जिसे परम चेतन कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, जिसके लिए गीता में कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदे अन्तरात्मा न शोषयति मारुतः। एक परमात्मा अविनाशी है और दूसरा परमात्मा का अविनाशी अंश जीव आत्मा जो सभी के भीतर है। वह जीव अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुखराशी, और जिसने अपने भीतर साधना के द्वारा यह जान लिया कि मैं मरता नहीं हूं क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ, शरीर ने जन्म लिया है, शरीर मरेगा, भीतर में जिसने परमात्मा को देख लिया, उस जीवन को ढूंढ लिया, उस हीरे को, उस रत्न को प्राप्त कर लिया जिसे मृत्यु भी नष्ट नहीं कर पाती, तो उसके मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। सूद जी ने कहा है, सोनक जी आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए, चूंकि कलयुग में जीव पापों से घिरे रहते हैं, बात बात में झूठ बोलना, छल करना, अहंकार करना, ये जीवों के स्वभाव में है। पाप करने के बाद जीव को ग्लानि भी नहीं होती, उसे कोई पछतावा भी नहीं होता, पश्चाताप भी नहीं होता। ऐसे पतित जीव का उद्धार कैसे हो, पाप से घिरे हुए जीव का कल्याण कैसे हो, वह जीवन को कैसे प्राप्त करे, वह आत्मा को कैसे जाने, वह कैसे उस स्थिति में प्रवेश करे जहां प्रवेश करने के बाद न जन्म का बंधन होता है, न मरने का भय होता है, सिर्फ आनंद ही आनंद होता है।
आनंद का झरना उसके हृदय में प्रवाहित होता रहता है। उस उद्गम तक जहां से आनंद का झरना बहना शुरू होता है, जीव कैसे पहुंचे? तो सुने, कलयुगी जीवों के लिए सबसे सरल उपाय है भागवत की कथा। भागवत की कथा से सुगम और श्रेष्ठ ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कलयुगी जीवों का उद्धार हो सके, और पाप से घिरा हुआ, अधर्म से घिरा हुआ कलयुगी जीव भी उस जीवन को, उस परमात्मा को प्राप्त करके समस्त दुखों से छूट सके। हे सोनक जी महाराज, तीन उपायों से, तीन तत्वों से भीतर के उस परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है। पहला है भक्ति, दूसरा है ज्ञान, और तीसरा है वैराग्य। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीन ही भीतर के जीवन का, जीव को ज्ञान कराते हैं, उस परमात्मा का दर्शन कराते हैं, उसे मृत्यु के भय से भी छुड़ा देते हैं, जहां से आनंद और परम शांति का झरना फूटता है उस उद्गम तक पहुंचा देते हैं। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद विचरण कर रहे थे तीनों लोकों में। विचरण करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर के उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक अत्यंत तरुणी स्त्री दो वृद्ध पुरुषों के साथ यमुना जी के तट पर बैठी हुई है। वे दोनों वृद्ध पुरुष धरती पर अचेत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। वह स्त्री उनके पास जाती है, कभी उन्हें अपने हाथों से उठाने का प्रयास करती है, और बार बार पुकारने पर भी जब वे नहीं उठते, अपनी आंखें नहीं खोलते, तो वह विलाप करते हुए अत्यंत करुणा भरे स्वरों में उस निर्जन वन में घूमने लगती है। नारद जी आकाश मार्ग से जाते हुए इस दृश्य को देखते हैं, उनके हृदय में दया का संचार हुआ। नारद जी उस स्त्री की तरफ बढ़े हैं। नारद जी को देखते ही वह स्त्री दौड़ी और पुकारते हुए कहने लगे, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हे साधु पुरुष, हे महात्मा जी, क्षणम तिष्ठ, आप क्षण भर के लिए रुक जाए। मम चिंता अविनाश, मेरी चिंता को, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को भी दूर करें। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम, आप जैसे जीवन का ज्ञान रखने वाले परमात्मा के परम भक्त, महापुरुष का दर्शन ही समस्त पापों से छुटकारा दिला देता है। आप क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुके, मेरे भी दुख को दूर करें, मेरे भी कष्ट का निवारण करें। नारद जी दया के वशीभूत होकर के उस स्त्री की तरफ बढ़े। उस स्त्री ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, और ये दोनों पुरुष जिनके लिए तुम विकल हो रही हो, ये कौन है, तुम्हारा इनसे क्या संबंध है जो तुम इनके लिए विलाप कर रही हो? उस स्त्री ने कहा, देवर्षि,
अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर जरो मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों वृद्ध पुरुष मेरे अपने ही पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। हे प्रभु, किसी मां के लिए यह कितने कष्ट की बात है। वह तो युवान होती जाए और उसके अपने बच्चे मां के सामने ही वृद्ध हो जाए। तू मां की तरफ देखे नहीं, मां से बातें न करे। मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे को प्राप्त मूर्छित हो गए हैं। इनकी यह दशा देख करके मुझे दुख होता है। आप संत हैं, संत दरस जिमि पाटक चरई, आपके तो दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ही मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिला सकते हैं, मेरे बच्चों को स्वस्थ कर सकते हैं। भक्ति के ऐसा कहने पर नारद जी उसके मस्तक पर अपना हाथ देते हैं, उसे धीरज बनाते हुए कहते हैं, त्वं तु भक्ति प्रियातस्य सततं प्राण तेधिका त्वया यातिनी च गृहेष्वपि। हे भक्ति, भगवान को न धन से वश में किया जा सकता है, न बल से वश में किया जा सकता है, न बुद्धि ही उन तक पहुंच सकती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान तुमसे अतिशय प्रेम करते हैं। हे भक्ति, तुम जिस भी जीव के हृदय में निवास करती हो, भगवान उस जीव को समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं, उसे भव सागर से पार कर देते हैं। तुम जिसके हृदय में निवास करती हो, भगवान उसे परम दरिद्र से परम धनवान बना देते हैं। भक्ति, जो भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं, क्या वे तुम्हारा दुख दूर नहीं करेंगे। मेरे भीतर प्रेरणा करके भगवान ने हो सकता है तुम्हारा दुख दूर करने के लिए भेजा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे पुत्रों की वृद्धावस्था दूर करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर के नारद जी ज्ञान वैराग्य के निकट गए। उनके कान में सबसे पहले वेद की ध्वनि की का बार बार पाठ किया। ज्ञान वैराग्य पहले की तरह ही मूर्छित रहे। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, मेरी दृष्टि में जितने भी श्रेष्ठ साधन थे, मैं उन सभी साधनों का प्रयोग कर चुका, मैंने सारे उपाय कर लिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर नहीं होती, ये स्वस्थ नहीं होते, मैं क्या उपाय करूं। तभी आकाशवाणी हुई, एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विदास्यन्ति साधवः हे देवर्षि, तुम एक सत्कर्म करो, उस सत्कर्म के द्वारा ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर होगी, उनकी माता भक्ति प्रसन्न होंगी और आप अपना वचन पूरा कर सकोगे। नारद जी
तीनों लोकों में विचरण करने लगे आकाशवाणी का अर्थ समझने के लिए। आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के लिए कहा, वह कौन सा सत्कर्म है जिससे ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर होगी। संतों के पास जाते, उनसे चर्चा करते, लेकिन कोई भी उन्हें आकाशवाणी का गूढ़ अर्थ बताने में समर्थ नहीं हुआ। आकाशवाणी ने कहा था, सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर होती है, लेकिन वह कौन सा सत्कर्म है। विचरण करते हुए बद्री का आश्रम पहुंचे हैं। बोलिए श्री बद्री विशाल भगवान की जय। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादि ऋषि परस्पर में हरि चर्चा कर रहे हैं। उन परम ज्ञानी तपस्वी त्यागी संतों को जब देखा है, उनका दर्शन किया है, नारद जी के हृदय से आवाज आई, ये सच्चे संत हैं, ये मुझे अवश्य वह उपाय बताएंगे जिस उपाय से ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो, भक्ति परिपुष्ट हो। नारद जी सनकादि ऋषियों के निकट गए। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं। भगवान का भक्त और उसके जीवन में कोई कष्ट हो, उसे कोई चिंता हो, ये तो बिल्कुल विरोधी बात है। या तो वो भक्त नहीं होगा, और भक्त होगा तो उसके जीवन में कोई चिंता कोई दुख नहीं होगा। फिर भी आप चिंतित हैं। ओ मैं समझ गया, संत सहाय दुख परहित कारण। आप जैसे संत महात्मा अपने लिए दुखी या सुखी नहीं होते, वो जगत के कल्याण के लिए सुखी या दुखी होते। जरूर आपने किसी की आंख में आंसू देख लिया होगा, इसलिए आप दुखी हो चिंतित हो। जरूर आप जगत के कल्याण के विषय में कुछ विचार कर रहे हो, कोई उपाय सोच रहे हो, इसलिए आप दुखी हो। आप चिंता न करें, हमसे चर्चा करें, हमें बताएं। नारद जी ने ज्ञान भक्ति वैराग्य की सारी बात उन्हें बताई कि मैं विचरण करते हुए वृंदावन गया, वहां मैंने देखा ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित पड़े हुए। भक्ति युवा है, लेकिन अपने बच्चों को मूर्छित देख करके, वृद्ध देख करके वह दुखी है, रो रही है। मैंने वचन दिया कि तुम्हारे पुत्रों की वृद्धावस्था दूर करूंगा, उन्हें मैं स्वस्थ करूंगा। मैंने वेद वेदांत सारे उपाय करके देख लिए, उनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हो सकी। सनकादि ऋषियों ने कहा, हे देवर्षि, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें, उसके प्रभाव से ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर होगी, भक्ति भी परम प्रसन्न हो जाएगी। सनकादि ऋषियों के ऐसा कहने पर गंगा जी के पावन तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। चारों भाई सनकादि ऋषि मुख्य वक्ता हुए भागवत के, नारद जी मुख्य श्रोता हुए। जब कथा 7 दिन की पूरी हुई, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए, उनकी वृद्धावस्था दूर हुई, और भक्ति भी अपने दोनों पुत्रों को स्वस्थ देख करके परम प्रसन्न हो गई, और नृत्य करते हुए उन ऋषियों की सभा में प्रकट हो जाती है। बोलिए श्री भागवत महापुराण। हमारे हृदय में भी ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति है। भगवान के पूजा पाठ की जो इच्छा है, भगवान के मंदिर जाने की इच्छा है, तीर्थाटन की इच्छा है, कथा श्रवण की इच्छा है, संतों की सेवा करने की इच्छा, ये भक्ति ही तो है। हमारे हृदय में भक्ति प्रेरणा करती है, तो हमारी ऐसी इच्छा होती है कि मंदिर चले, कथा सुने, तीर्थाटन को चले, दान करें, धर्म करें, यज्ञ करें, पूजन करें। लेकिन भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यदि आपका बेटा दुखी हो तो क्या मां प्रसन्न रह सकती है? प्रसन्न नहीं रह सकती, वो दुखी रहेगी। और मां दुखी है तो क्या वो पिता की सेवा कर सकती है? अर्थात क्या अपने पति की सेवा कर सकती है? यदि बेटे को कोई बीमारी हो गई, कोई परेशानी आ गई, बेटे पे कोई कष्ट आ गया, मां दुखी होगी, रोएगी, तो उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा।
वो अपने पति की सेवा नहीं करेगी। उसी प्रकार से भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यदि हमारे भीतर के ज्ञान और वैराग्य ये दोनों परिपुष्ट नहीं होंगे, हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो हमारे भीतर की भक्ति दुखी रहेगी, और दुखी भक्ति कभी भी परमात्मा के निकट हमें नहीं ले जाएगी। भक्ति परमात्मा की सेवा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने बच्चों के दुख से दुखी है। वही भक्ति परमात्मा की सेवा करके प्रसन्न कर सकती है जिसके ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र प्रसन्न हों, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र स्वस्थ हों। हमारे भीतर का ज्ञान अस्वस्थ है, हमारे भीतर का वैराग्य भी अस्वस्थ है। अब छोटा सा ही ज्ञान देखो ना, आप इस कथा पांडाल में बैठे हुए, इस कथा पांडाल में कितने लोग जूते चप्पल लेकर के बैठे हुए, ये तो ज्ञान का स्तर है हमारे। और इस कथा पांडाल में भी अगर चाय पी करके पानी पी करके फेंक दिया, ये भी नहीं सोचा कि यहाँ भागवत कथा हो रही है, यहाँ देवता वास करेंगे, गौ महातीर्थ है। और विचित्र बात तो है कि उन्हीं जूठे गिलासों के बीच उन्हीं कूड़े कचरों के आगे पीछे बैठे हुए, लेकिन उठाए कौन, हमने तो फेंकी। तो इतना सा जिसे ज्ञान न हो कि कथा पांडाल में जूते चप्पल लेके नहीं बैठते, इतना जिसे ज्ञान न हो कि कथा पांडाल में बैठ करके चुगली निंदा बातचीत नहीं करते, इतना जिसे ज्ञान न हो कि कथा में जूठी चीजें फालतू गिलास और ये सारी चीजें नहीं फेंकते, सफाई स्वच्छता से रहते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञान कहां प्राप्त होने वाला है, उसके भीतर का ज्ञान का स्तर जब इतना गिरा हुआ है, इतना ज्ञान सोया हुआ है, तो फिर उसे आत्मज्ञान भगवान का ज्ञान क्या हो सकता है, उसके विषय में वो सोच भी कैसे सकता है। भक्ति परमात्मा की सेवा करके उसे प्रसन्न तभी करेगी आपके भीतर की, जब आपके भीतर सही ज्ञान भी होगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जीवन हमें किस लिए मिला, भगवान ने हमें कुत्ता घोड़ा गधा क्यों नहीं बनाया, मनुष्य ही क्यों बनाया। यदि कुत्ता घोड़ा गधा पशु कीड़ा मकोड़ा बना देता तो आज जैसे हम उन्हें दुत्कारते हैं, उन्हें भगाते हैं, वे कभी कचरे खाते हैं, कभी किसी की देवी सूखी रोटी खाते हैं, जूठन खाते हैं, वैसे हमारी भी स्थिति होती है। लेकिन भगवान ने हमें वैसा नहीं बनाया, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। इस मनुष्य जीवन का क्या महत्व है, इस मनुष्य जीवन का क्या मूल्य है, इसका ठीक ठीक जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो वह परमात्मा अपनी झलक भी हमें कैसे दिखा सकता है, और जब तक उस परमात्मा का दर्शन न हो हमारे भीतर की अशांति हमारे भीतर का दुख कैसे बैठ सकता है। रेत को पेरने से कभी तेल नहीं निकलता, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल। तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि मान लो कोई ऐसा होनहार वीरवान पैदा भी हो गया कि उसने रेत को पेर करके उससे तेल निकाल भी लिया, यह संभव हो भी जाए, बिन हरि भजन भव करिया यह शब्दांत अपेर। लेकिन बिना भगवान के भजन के वो इस संसार से पार हो जाए, बिना भगवान के भजन से वह दुखों से छूट जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। असंभव कार्य संसार के सभी संभव हो सकते हैं, लेकिन बिना भगवान की शरणागति के जीव दुखों से छूट जाए यह कभी संभव नहीं हो सकता। हमारे भीतर के ज्ञान का स्तर क्या है, ये तो अब हमें विचार करना चाहिए। भक्ति तो आप खूब करते हो, मंदिर जाओगे, जल चढ़ाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे, पुष्प माला चढ़ाओगे, तीर्थों में जाओगे, तीर्थ यात्रा करोगे, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान नहीं है हम संसार में क्यों आए हैं, भगवान ने हमें मनुष्य ही क्यों बनाया, परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा। समस्त दुखों से छूटने का एक उपाय क्या है, परम आनंद कहां मिलेगा,
मृत्यु से छुटकारा कैसे मिलेगा, मृत्यु के पार हम कैसे पहुंचे। ज्ञान है वैराग्य, वैराग्य संसार कभी किसी का हुआ नहीं और परमात्मा ने कभी किसी को छोड़ा नहीं। परमात्मा कौन है और संसार कौन है? जो आज तक कभी किसी को मिला ही नहीं, हुआ ही नहीं आज तक किसी का, वो संसार है। और जो आज तक कभी किसी से बिछुड़ा ही नहीं, वो परमात्मा है। आप सोचते हो संसार मेरा, लेकिन वो संसार कभी आपका हुआ ही नहीं। वह संसार मृत्यु के बाद आप नहीं छोड़ोगे तो मृत्यु छुड़ा लेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा वह कभी आपको नहीं छोड़ता। परमात्मा देखते हो, सुनते हो, बोलते, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। जो कभी साथ छोड़ता ही नहीं वो परमात्मा है, और जो कभी आपका हुआ ही नहीं वो संसार है। संसार कभी आपका हुआ नहीं, फिर भी आपकी जो उसमें ममता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उस ममता के त्याग को ही कहते हैं वैराग्य। संसार में जो राग है, विराग, उससे रहित हो जाता, ये संसार मेरा नहीं है, यही वैराग्य है। परमात्मा मेरे अपने है। परमात्मा से प्रेम करना और संसार से ममता का त्याग कर देना, ये वैराग्य। भगवान मेरे हैं, संसार पराया है, इसे हृदय से स्वीकार कर लेना, ये वैराग्य। जब आपके भीतर वैराग्य भी होगा, आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश भी होगा, तब आपकी भक्ति प्रसन्न होकर के उस परम पिता परमात्मा की सेवा करेगी, और फिर वह परमात्मा आप पे अनुग्रह करके समस्त दुखों से छुटकारा दिलाकर अपनी शरण में बुलाएगा। करना कभी ना दूर प्रभु,
जो भीतर के जीवन को प्राप्त करना चाहता है, जो भीतर में भर तत्व जानना चाहता है, पाना चाहता है, जिसे पाने के बाद मृत्यु का भय नहीं होता। शरीर को मरते हुए देखता है लेकिन कहता है मैं अमर हूं, मैं वह चेतन आत्मा हूं जिसे कोई शस्त्र नहीं मार सकता, अग्नि नहीं जला सकता। यदि भीतर के उस जीवन को प्राप्त करना है, भीतर के उस परम आनंद को प्राप्त करना है, तो तीन चीजों का होना अनिवार्य है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अपने सुख की इच्छा छोड़कर सभी रूपों में परमात्मा विराजमान है ऐसा जानकर सबको सुख देना, सबकी सेवा करना, ये भक्ति है। अपने सुख की इच्छा त्याग कर दुख सहते हुए सभी में एक ही ईश्वर का, एक ही कृष्ण का दर्शन करता करते हुए सबकी सेवा करना, ये भक्ति है। सा विद्याया विमुक्तये, जो आपको इस शरीर भाव से छुड़ा दे, जो यह ज्ञान करा दे कि संसार असत है और परमात्मा सत्य है, वह ज्ञान है। और ये मेरा नहीं, सब कुछ परमात्मा का है, जिसे जिसे भी अपना माना है उसे अपना मानना त्याग देना, यह वैराग्य है। जब ये तीन तत्व आपके भीतर होते हैं तब उस परम सत्य का दर्शन होता है, तब उस परम सत्य का ज्ञान होता है और वह परिपुष्ट होगा सत्संग से, भागवत कथा से। सनकादि ऋषियों ने जब भागवत कथा सुनाई तब ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हुई और भक्ति महारानी प्रसन्न हुई। आपकी भक्ति बढ़ेगी सत्संग से, आपका ज्ञान बढ़ेगा सत्संग से, आपके भीतर वैराग्य होगा सत्संग से। बिना सत्संग के भक्ति नहीं प्राप्त होती, बिना सत्संग के ज्ञान और वैराग्य उपलब्ध नहीं होता, तथा बिना भक्ति ज्ञान और वैराग्य के जीव को परमात्मा का दर्शन नहीं होता, जीव का उद्धार नहीं होता। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, जब भागवत की कथा के प्रभाव से स्वस्थ हुए हैं, नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, मैं ये जानना चाहता हूं कि भागवत की कथा के प्रभाव से किन किन लोगों का उद्धार हो जाता है, किस किस श्रेणी के जीव भागवत कथा के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, समस्त दुखों से छूट जाते हैं, किनका किनका उद्धार हो जाता है। सनकादि ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, इस जगत में यदि कोई पापियों का सिरमौर हो, अब तक सृष्टि में जितने भी पापी हुए हैं उनमें जो सबसे बड़ा पापी है उसे आप ढूंढ करके लाओ, वह भी यदि निष्ठा के साथ भागवत कथा को सुने तो समस्त पापों से मुक्त होकर के कल्याण का अधिकारी हो जाता है। इस विषय में मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं, एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। अत्रते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। प्राचीन समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक विद्वान तपस्वी स्वधर्मी ब्राह्मण रहा करते थे। उस नगर के लोग भी धर्म में आस्था रखते थे, इसलिए वे ब्राह्मण आत्मदेव को यज्ञ के बाद, कथा के बाद, पूजन के बाद पर्याप्त दक्षिणा देते, वस्त्र आदि लेकर के संतुष्ट करते। तो ब्राह्मण देवता के घर धन आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस संसार में कोई हाथ उठा करके नहीं कह सकता कि मैं परम सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहा,
थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। ऐसे ही आत्मदेव जी विद्वान थे, बहुत सम्मान था नगर में उनका, क्योंकि उनके जैसा कोई पंडित नहीं था, कोई विद्वान था। सभी लोग चाहते थे कि मेरे घर आकर के यज्ञ करें, मेरे घर आकर के कथा वाचे, मेरी पूजा संपन्न कराएं। उनके पास बहुत निमंत्रण रहता था, प्रतिष्ठा भी थी, धन भी था, पुत्र नहीं था। पत्नी अपने पति के सामने तो बड़े सदाचार से रहती थी, लेकिन जैसे ही पंडित जी घर से बाहर गए पूजन कराने यजमानों के पास, वैसे ही चुगली, निंदा, लड़ाई झगड़ा ये शुरू कर देती थी। उसका नाम था धुंधली। ब्राह्मण आत्मदेव को हर तरह का सुख था, बस एक ही दुख था, उन्हें कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आत्मदेव ने बहुत सारे यज्ञ किए, गरीबों में वस्त्र बांटे, स्वर्ण आदि का भी दान किया, बहुत बड़े बड़े भंडारे कराए, मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ब्राह्मण आत्मदेव संतों के पास जाते और जो कह देता कि ये करना है वही उपाय करते। अंत में दुखी होकर के जंगल में आत्महत्या के लिए निकल गए। पुत्र के बिना ये जीवन व्यर्थ है, पुत्र नहीं तो ये जीवन लेकर के क्या करूंगा, मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो विद्या है, उस विद्या को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। और मेरे पितर भी जब मैं उन्हें जल अर्पण करता हूं तो लंबी लंबी सांस लेकर के जल पीते हैं कि ये तो जल पिला रहा है, इसके बाद जल पिलाने वाला कौन है। पुत्र के बिना तो मेरा भी उद्धार कैसे हो। सभी नगर के लोग भी आत्मदेव जी को कहते, आत्मदेव जी आप इतना पूजा पाठ करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, तो भी आपके पास पुत्र नहीं, भगवान इतनी भी कृपा नहीं करता आपको, उन्हें और कष्ट होता। वे जंगल में आत्महत्या के लिए निकल पड़े। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विलाप कर रहे थे और सामने नदी बह रही थी। उसी मार्ग से एक परम ज्ञानी संत जा रहे थे। जब उन्होंने आत्मदेव जी को रोते हुए देखा, उनके निकट गए और जाकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। आत्मदेव जी ने कहा, पाल्यते या मया धेनु साबंध्या सर्वथा भवे, यो मया रोपितो वृक्षा सो विबंध्य त्वमाश्रये। मुझे तो कोई संतान नहीं है, मुझे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन मैं जो गाय पालता हूं उस गाय को भी बछड़े नहीं होते, मेरे भाग्य में ऐसा दोष है। यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंध्यत्वम् आश्रये, मैं अपने हाथों से जो वृक्ष लगाता हूं उस वृक्ष में फली नहीं होते। यत् फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपात्यस्य किमतो जीवितेन मे। मैं जो फल लेकर के आता हूं कि घर में ले जाकर के खाएंगे, मेरे लाए हुए फल शीघ्र सड़ जाते हैं। इसलिए अब मैं अपने जीवन को नहीं रखना चाहता, इस भाग्यहीन जीवन को नदी में कूद करके नष्ट कर दूंगा। संत ने समझाया, हे ब्राह्मण,
भजन करो। ये मनुष्य जीवन और ब्राह्मण शरीर तुम्हें भजन करने के लिए मिला। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य भजन करना, साधन करना और परमात्मा को प्राप्त करना। पुत्र न देकर के भगवान ने तुम पर एक तरह से कृपा ही की कि जब तुम भजन करोगे तो बेटा याद नहीं आएगा। बेटे का मोह भजन में बाधा नहीं डालेगा। भगवान का भजन करो और संसार से उद्धार करो। पुत्र की तीव्र इच्छा होने के कारण आत्मदेव जी या तो मरने के लिए तैयार थे और या तो उन्हें ये इच्छा थी कि महात्मा जी मुझे कोई वरदान दे दें जिससे मुझे पुत्र हो जाए। या तो पुत्र या तो मृत्यु, ये हमारे जीवन के लिए काम है। हम भी सिर्फ दो ही रास्ते पर चलते हैं। पहला रास्ता हमारी इच्छाओं का है। हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा विवाह हो जाए, अच्छा पद मिल जाए, समाज में एक अच्छा सम्मान हो जाए, इतना हो गया इतना और हो जाए। एक रास्ता हमारा इच्छाओं का है और दूसरा वो यदि नहीं मिला तो ठीक है, अब मर जाए तो अच्छा। लेकिन इन दोनों को जो जोड़ने वाला मध्य का रास्ता है, परमात्मा के पास जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर हम में से कोई बिरला चलता है। या तो हमारी इच्छा पूरी हो और या तो हमें मृत्यु मिले, परमात्मा मिले, ऐसी इच्छा किसी किसी के भीतर प्रकट होती है। आत्मदेव जी की भी ऐसी स्थिति थी। संत के सामने उन्होंने कहा, महाराज मैंने सुना है संतों में ऐसी शक्ति होती है कि वो जो कह देते हैं उसे विधाता भी नहीं बदल सकता। मोर कहा चाहे हो जाए फीका, संत वचन कभी भी फीका नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं कि मेरा कहा हुआ, मेरा लिखा हुआ, मेरा बोला हुआ चाहे भले ही फीका पड़ जाए, वो पूरा ना हो, लेकिन संत का वचन कभी भी मिथ्या नहीं होता। तो हे महात्मन, या तो आप अपनी वाणी से कहें वरदान देते हुए कि पुत्रवान भव, तुम पुत्रवान हो जाओ, तुम्हें पुत्र हो जाएगा, या फिर अब आपके देखते ही देखते मैं मृत्यु को गले लगाऊंगा और इस नदी में कूद पड़ूंगा। संत बीच का रास्ता बता रहे हैं कि भजन करके संसार से उद्धार कर लो। भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, मरने से अच्छे है तपस्या करो, अपने पापों को क्षीण करो। आत्मदेव जी को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, महाराज यदि आप पुत्र होने का वरदान नहीं देते हो तो अभी मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। संत ने एक फल आत्मदेव जी को दिया और कहा, ये फल ले जाकर के तुम अपनी धर्म पत्नी को दे देना, उससे कहना वह संयम के साथ जीवन जिए। यदि उसने संयम के साथ जीवन जिया तो तुम्हारे घर एक धर्मात्मा पुत्र का जन्म होगा जो तुम्हारे उद्धार का, तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के आए, धर्म पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली हाथ में फल लेकर के विचार करने लगी, यदि मैंने फल को खा लिया और सच में गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा तो भूख समाप्त हो जाएगी, भूख समाप्त हो जाएगी तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, भोजन नहीं कर पाऊंगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, फिर गृह कार्य कथम भवेत, घर का काम काज कौन करेगा। दूसरा, ये संत का दिया हुआ फल है, संतों की लीला बड़ी विचित्र होती है। मैंने सुना है भगवान सुखदेव अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए। मैंने फल खाया, गर्भवती हुई और कहीं वो भी ऐसा ही हो गया, 12 साल 13 साल 14 साल तक बाहर ही नहीं आया, फिर उस कष्ट को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। धुंधली ने वो फल ले जाकर के धीरे से गाय को खिला दिया। उसकी बहन आई, बहन से उसने कहा, बहन
देख तू भी गर्भवती है, तुझे भी संतान होने वाली है, जब पुत्र होगा तो तू मुझे ला करके दे देना, बदले में मैं तुझे जितना धन बोलेगी उतना धन दे दूंगी। बहन गरीब थी, उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है मुझे ये शर्त मंजूर है। समय आया जब उसकी बहन को पुत्र हुआ तो चुपके से लाकर के धुंधली को दे दिया, बदले में धुंधली ने उसे कुछ धन दे दिया। आत्मदेव जी ने जब सुना कि पुत्र हुआ है, उनके हर्ष की कोई सीमा न रही, योग लग्न वार ग्रह तिथि सब सोचने लगे कि बच्चे का नामकरण करें, इसके जितने भी अच्छे संस्कार है वो सभी संस्कार संपन्न करें। धुंधली ने आकर के उनका सब पोथी पत्रा उठा करके फेंक दिया, ये बिल्कुल मेरे पर गया है, 9 महीने तक मैंने इसे पेट में रखा है, इसलिए इसका नामकरण मैं करूंगा। आत्मदेव जी को क्या पता कि फल गाय को खिला दिया था और अपनी बहन का बच्चा इसने खरीद लिया है धन देकर, वो तो उसे अपना ही बच्चा समझ रहा, इसलिए बड़े प्रसन्न है। धुंधली कहती है इसका नाम मैं रखूंगी। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। उधर गोमाता को जो फल खिलाया गया था, संत का वरदान झूठा कैसे हो सकता है, गोमाता ने भी एक संतान को जन्म दिया, उसका सारा शरीर तो मनुष्य का था, कान गाय के कान के जैसा था, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। गोपुत्र हुए गोकर्ण। अब तक तो आत्मदेव बड़े दुखी थे, अपने भाग्य को कोसते थे कि मैं जो वृक्ष लगाता हूं उस वृक्ष में फल ही नहीं होते, मेरे लाए हुए फल शीघ्र सड़ जाते हैं, मेरी पाली हुई गाय को बछड़े नहीं होते। अब गाय ने भी जना तो मनुष्य के जैसा पुत्र जना, तो सभी नगर के लोग आए और बोले बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपकी पत्नी के गर्भ से तो एक पुत्र हुआ ही, गाय ने भी जब संतान को जन्म दिया तो मनुष्य पुत्र को जन्म दिया, आपके तो भाग्य का उदय हुआ है। आत्मदेव जी भी बड़े प्रसन्न हैं, दोनों का पालन पोषण होने लगा। जिससे आपको प्रेम होता है उसकी अच्छाई और बुराई आपके भीतर आती है, इसलिए प्रेम किसी गुणवान से ही करो, संगति किसी गुणवान की ही करो, चिंतन किसी अच्छे व्यक्ति का ही मन में करो, किसी भले पुरुष का चरित्र मन में विचार किया करो। यदि आप किसी चरित्रहीन का चिंतन करोगे, विचार करोगे, उसके विषय में सोचोगे तो उसकी बुराई आपके भीतर भी आएगी। धुंधुकारी को अपनी मां से प्रेम था और गोकर्ण जी को अपने पिता आत्मदेव से प्रेम था। धुंधली अपने बेटे धुंधुकारी को प्रेम तो बहुत करती थी, लेकिन उसे चुगली निंदा इन चीजों में ही लगाए रखती थी। अब बच्चे के सामने कुछ चुगली करती, बच्चे के सामने छोटी छोटी बातों में पड़ोसियों से लड़ जाती, बच्चे के सामने ही पति के ऊपर भी झाड़ू उठा लेती, बच्चा ये सब देखता, बच्चे पे भी वैसे ही संस्कार पड़ते गए। लेकिन गोकर्ण जी महाराज अपने पिता के चरणों में बैठ करके वेद सीखते, ज्ञान अर्जित करते, उनकी आज्ञा पालन करते, सदाचार शिष्टाचार पूर्वक रहते, दोनों का पालन पोषण होने लगा। आगे चल करके गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, गोकर्ण जी तो महान पंडित हुए, विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी उतना ही बड़ा खल हुआ, उतना ही बड़ा दुष्ट हुआ, चोरी करना, हत्या करना, डकैती करना, यही उसका काम था। और गोकर्ण जी साधन भजन में प्रेम रखते थे। धीरे 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 धुंधकारी वैश्याओं के पास जाने लगा और घर का सारा धन ले जा करके उन्हें देने लगा। जब घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई तो राजा के महल में चोरी करने लगा, रानी का बहुमूल्य हार चुरा कर लाया,
और ला करके वैश्याओं को भेंट कर दिया। वैश्याएं मन में विचार करने लगी, ये राजा के महल में चोरी करने जाता है, किसी दिन पकड़ा गया तो इसके साथ साथ राजा हमें भी दंड देगा। राजा हम वैश्याओं से भी पूछेगा कि जब तुम्हें पता था कि हमारे महल में चोरी करता है तो तुमने बताया क्यों नहीं, तुमने हमारे महल के धन को क्यों स्वीकार किया। और ये बहुत सारा धन लेकर आया है राजा के महल से, हम ऐसा क्या करें कि एक चोरी का धन हमारे पास रह जाए और हम पकड़े भी न जाए। एक रात धुंधकारी आया, वैश्याओं ने विचार किया अब हमारे पास बहुत धन हो गया है, इतने में तो हम पूरे जीवन ऐश करेंगे, अब हमें धन की कोई जरूरत नहीं है। धुंधकारी को चारपाई में बांध करके उसे पीटने लगी। एक वैश्या दौड़ करके गई, आग का अंगारा चूल्हे में से उठा करके ले आई और धुंधकारी चिल्ला रहा था, आ आ बचाओ बचाओ, आसपास कोई सुन न ले, वो आग का अंगारा उसके मुंह में लाकर भर दिया। इस प्रकार उन वैश्याओं के द्वारा धुंधकारी तड़पा तड़पा कर मारा गया। अंतिम संस्कार नहीं हुआ और जीवन भर पाप कर्म किया था, इसलिए मरने के बाद वह प्रेत बना। प्रेत बनकर के चारों तरफ भटकने लगा। गोकर्ण जी विश्राम कर रहे थे, जाकर कभी बहुत विशाल हाथी का रूप बना लेता, कभी भेड़ बन जाता, कभी अग्नि की लपटें बनकर के उनके चारों तरफ घूमने लगता। गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई प्रेत है जो मुझसे कुछ कहना चाहता है। पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? धुंधकारी का पाप इतना बढ़ गया था कि वो धर्मात्मा गोकर्ण जी के पास कुछ बोल भी नहीं पाता, बोलना चाहता था लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं आती। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित कर धुंधकारी के ऊपर छिड़का। जब उसका पाप पवित्र गंगा जल के प्रभाव से थोड़ा कम हुआ, भगवान के नाम के प्रभाव से कम हुआ, तब बोला, भाई मैं धुंधकारी हूं, पाप कर्म के कारण से मुझे प्रेत बनना पड़ा है, यहां मैं बड़े दुख के साथ रह रहा हूं। तुम धर्मात्मा हो, मैं तो पाप में लगा रहा लेकिन तुम बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगे रहे, पिताजी से ज्ञान अर्जन करने में लगे रहे, मेरा उद्धार कर सकते हो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, अरे भाई मैंने तो गया जी में जाकर के तुम्हारे लिए विधिवत श्राद्ध किया, तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्नेन भविष्यति, उपायमपरं किंचित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। एक श्राद्ध तो क्या, गया जी में जाकर के तुम मेरे लिए सैकड़ों श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, इसलिए हे गोकर्ण तुम मेरी मुक्ति का कोई और उपाय ढूंढो। गोकर्ण जी संतों की शरण में गए हैं, संतों ने उन्हें सुझाव दिया कि आप सूर्य देव की उपासना करें। गोकर्ण जी ने सूर्य का ध्यान किया है, उनके तप के प्रभाव से सूर्य देव प्रकट हुए। उपाय पूछा, मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, मैंने तो गया जी में जाके श्राद्ध भी कर लिया तो भी उसकी मुक्ति नहीं होती, वह प्रेत बनकर भटकता है, मेरा भाई है इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे मुक्त करूं। सूर्यदेव ने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने को कहा। गंगा जी के तट पर भागवत की कथा का आयोजन किया गया, विधि विधान के साथ सारा आयोजन हो रहा है। श्रोताओं ने जब सुना तो दूर दूर से सारे श्रोता भागवत की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वयं गोकर्ण जी ने भागवत की कथा की,
सात गांठ वाला एक बांस रखा हुआ था। धुंधकारी जब आया उसी बांस में प्रवेश कर गया। कथा की प्रत्येक संध्या को एक विचित्र घटना घटती। जब कथा पूर्ण होती और जय जयकार होती तो सात गांठ में से एक गांठ चट करके टूट जाती। पहले दिन पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन कथा का विराम हुआ तो दूसरी गांठ टूटी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, सातवें दिन सातवीं गांठ भी चट करके टूट गई। उनमें से एक दिव्य देव पुरुष प्रकट हुआ। धुंधकारी अब प्रेत नहीं रह गया था, मुक्त होकर के वह एक दिव्य देवता के स्वरूप को प्राप्त कर चुका था। भगवान का विमान आया और उस पर बैठ करके वह वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार भागवत के प्रभाव से प्रेत धुंधकारी की मुक्ति हुई है। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा Thank you.
रब के चरणार विंद की मुक्ति हुई। हम सबका मन ही प्रेत है, मन ही देवता है, मन ही राक्षस है। शरीर से कोई देवता नहीं होता, शरीर से कोई राक्षस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि राक्षसों को बड़ी बड़ी सींगें होती हैं, राक्षसों के बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं। जिसके आसुरी विचार हैं, जिसका मन आसुरी वृत्तियों से भरा हुआ है, वही राक्षस है, वही असुर है। चाहे भले ही उसका शरीर कितना भी सुंदर हो, सूर्पणखा कितना सुंदर रूप बनाकर आई थी, रूप से अत्यंत सुंदर थी, विश्व सुंदरी थी, लेकिन मन में कितने बुरे विचार थे, असुरता भरी हुई थी, इसलिए उसे राक्षसी कहा गया, देवी नहीं कहा गया सुंदर होने से। लेकिन सबरी जो शरीर से कुरूप थी, कुबड़ निकली हुई थी सबरी की, झुर्रियां हो गई थी, वृद्ध हो गई थी, लेकिन उस सबरी के मन में भगवान राम की भक्ति थी, दैवीय सदगुण थे,
इसलिए उसे भगवती कह करके भगवान श्री राम ने सम्मानित किया, उसका आदर किया। शरीर से कोई देवता नहीं, शरीर से कोई मनुष्य नहीं, शरीर से कोई पशु नहीं, शरीर से कोई भूत प्रेत नहीं, मन से ही देवता है, मन से ही राक्षस है, मन से ही पशु है, मन से ही मनुष्य है। हमारा मन जब बहुत इच्छाओं से भर जाता है और उन असंख्य अनगिनत वासनाओं इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए वह अधर्म करने में पाप करने में संकोच नहीं करता, वह मन ही प्रेत है। धुंधकारी का जीवन चरित्र हम देखें, धुंधकारी ने अपनी माता की पिचाई करके उससे जितने गहने थे वो सब छीन लिया और वैश्याओं को ले जाकर दे दिया। अब माँ का उपकार उसे याद नहीं आता। परम विद्वान ज्ञानी पिता को पीड़ित करता था, पिताजी घर बार त्याग करके जंगल में चले गए, पिता के उपकार को उसने आदर नहीं दिया, उसका महत्व नहीं समझा। जिसके मन में माता पिता गाय गुरु गोविंद के प्रति प्रेम ना हो, उनके प्रति आदर भाव ना हो, उसका मन ही प्रेत है। जो उनका अपमान करे, जो अपनी वासनाओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने पूजनीय माता पिता गुरुजनों को भी अपमानित करे कष्ट दे, उसका मन ही प्रेत है। जिसका मन असंख्य इच्छाओं से भरा हुआ है उसका मन ही प्रेत है। मनुष्य अन्य किसी कारण से दुखी नहीं होता बल्कि अपनी इच्छाओं के कारण से ही दुखी होता है। हमारी दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारी इच्छाएं हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं वह उतना ही दुखी है और जिसके हृदय में जितना संतोष है वह उतना ही सुखी है, उतना ही आनंद में है। तो जब आपके मन में इतनी इच्छाएं इतनी वासनाएं हो जाए कि उनकी पूर्ति के लिए आपके मन को एक पल भी चैन न मिले, ईश्वर भजन में थोड़ा भी वह स्थिर न हो सके, तो वह बिगड़ा हुआ मन ही प्रेत है। उस बिगड़े हुए मन को आप सत्संग सुनाओ, जैसे गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत की कथा सुनाई, उस कथा के प्रभाव से धुंधकारी मुक्त हुआ। जब आप अपने इस बिगड़े हुए मन को सत्संग सुनाओगे, भगवान का नाम सुनाओगे, मन को भगवान का भजन सुनाओगे, भगवान की महिमा सुनाओ, तब इस मन का उद्धार होगा और बिगड़ा हुआ मन आपको उस योग्य बनाएगा जिससे आप भगवान का दर्शन कर सको, जिससे आप अपना उद्धार कर सको। क्योंकि मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है, मन से ही दुख है, मन से ही आनंद है। मन संसार में लगा हुआ है इसलिए दुख है, यदि वही मन परमात्मा के भजन में परमात्मा की आराधना में लग जाए तो परम सुख परम आनंद। मन का उद्धार करने की कथा भागवत की कथा है। और इस कथा में एक और विशेष बात है, धुंधकारी ब्राह्मण था, साथ ही साथ उसने इतने पाप किए कि प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद भी भागवत कथा के प्रभाव से वो मुक्त हो गया, अर्थात कोई जीवन में कितना भी नीचे गिर जाए, कितना भी पाप कर ले, उसके हृदय में जिस दिन ये इच्छा हो जाती है कि मुझे इन सभी पापों से बुराइयों से छूटना, इनसे मुक्त होकर के मुझे भगवान का दर्शन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो एक दिन वो उनसे मुक्त हो सकता है। हमारे भीतर की बुराइयां तभी दूर होंगी जबकि हम बुराइयों को दूर करना चाहेंगे। हम पाप से मुक्त तभी हो सकेंगे जबकि हम पाप से मुक्त होना चाहेंगे। यदि कोई शराबी हो तो शराब छोड़ सकता है लेकिन छोड़ना चाहे तो, यदि वो छोड़ना नहीं चाहता तो फिर स्वयं ब्रह्मा भी उससे शराब नहीं छोड़वा सकते, लेकिन छोड़ना चाहे सच्चे मन से तो उसके अनेक उपाय हैं कि वो छोड़ सकता है। उसी प्रकार हमने जाने अनजाने पीछे जो पाप किए हैं उन पापों से छूटने की इच्छा नहीं प्रकट होती कि हमने इतने पाप किए उनसे मैं मुक्त होकर के अब परमात्मा की शरण हो, परमात्मा का दर्शन हो, मुक्ति को प्राप्त, ये इच्छा ही हमारे भीतर जागृत नहीं होती। यदि हमारे हृदय में सच्चे मन से परमात्मा के दर्शन की इच्छा जागृत हो जाए
तो एक दिन उनका दर्शन भी हो जाता है, एक दिन हम उन पापों से मुक्त भी हो जाते हैं। जब धुंधकारी जैसा प्रेत भागवत की कथा के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, तो हम भगवान के नाम के प्रभाव से, भगवान की कथा के प्रभाव से क्यों नहीं मुक्त हो सकते? हम भगवान को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर सकते जब धुंधकारी जैसा पापी कर सकता है? लेकिन शर्त यही है कि हमारे भीतर इच्छा होनी चाहिए। जब धुंधकारी की मुक्ति हुई तो श्रोताओं ने कहा कि हम सबने यहाँ बैठ करके भागवत की कथा सुनी, लेकिन मुक्ति तो सिर्फ धुंधकारी की हुई, विमान तो सिर्फ धुंधकारी के लिए आया, हम सभी श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आया? हम सब मुक्त क्यों नहीं हुए? गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी यद्यपि प्रेत बहुत पापी, लेकिन इसको कथा सुनने की जितनी इच्छा थी और अपने पापों से मुक्त हो जाने की जितनी इच्छा थी, उतनी आप में से किसी को मिल सके, इसलिए विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए आया, आप सबके लिए विमान नहीं। फिर दोबारा गोकर्ण जी ने कथा की, सारे श्रोता आए और सभी श्रोताओं के लिए विमान आया, उसमें बैठ करके वे भगवान के धाम को। भागवत की कथा मुक्तिदायिनी कथा, धुंधकारी जैसा प्रेत मुक्त हो सकता है तो कौन मुक्त नहीं हो सकता? भगवान का नाम राम नाम को कल्प करे, भगवान राम का नाम कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का तात्पर्य आप इससे जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन तो भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती, हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भी हमारा कष्ट दूर नहीं होता, या तो भगवान के नाम की महिमा में कमी है, झूठी महिमा लिखी गई है भगवान की भक्ति की भगवान के नाम की, और या तो हमारे भाव में कहीं ना कहीं कमी है। भगवान के नाम में कमी नहीं हो सकती। राग के कहत ही निकसत पाप पहाड़, रामपुरा कहना नहीं पड़ता, केवल कोई राग कहता है तो पाप का पहाड़ उसके भीतर से निकल जाता है। ऐसा राम नाम की महिमा है, और हम भगवान का नाम लेते हैं तो भी हमारा कष्ट निवारण नहीं होता, हमारा दुख दूर नहीं होता, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। या तो हमारे में कमी है, या तो भगवान के नाम में कमी है, या तो भगवान में कमी है, भगवान की महिमा में कमी है। धुंधकारी के लिए विमान आया, बाकी श्रोताओं के लिए विमान नहीं आया, क्योंकि धुंधकारी के मन में कथा सुनने की जितनी जिज्ञासा थी, जितनी ललक थी, जितनी तड़प थी, उतनी अन्य के भीतर नहीं थी, इसलिए विमान धुंधकारी के लिए। फिर जब श्रोताओं को अपनी कमी का पता चला, उन्होंने बड़े भाव के साथ में फिर कथा को श्रवण किया और सभी के लिए विमान आया, सभी विमान पर बैठ करके भगवान के धाम गए। भागवत कथा आपको जीवन प्रदान करती है। जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, क्यों जीना चाहिए? हम जी तो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं, वो सुबह उठे, उठो, नहाओ, धो, खाओ, पियो, मशीन की तरह भागते रहो सुबह से लेकर रात तक, फिर दूसरे दिन वही कहानी, आज फिर ये बनाना है, ये खाना है, आज फिर दिन भर काम करना है, रात में से तीसरे दिन भी यही कहानी। एक दिन यदि कोई कह दे कि भाई मंदिर जाना है, तो बड़ा 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मंदिर जाएंगे या हम कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे तो घर में कौन सा मानेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, ये सब हमारे मन में चलता रहता है, हमारे मन में घूमता रहता है। तो हमारे मन में ऐसी इच्छा नहीं है, हमारे मन में वो तड़प नहीं है कि हमें भगवान दर्शन दे, हमें भगवान प्राप्त हो, हमें मुक्ति मिले। जिस दिन वो ललक हमारे भीतर जाग जाएगी, उस दिन पाप छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप पाप छोड़ते चले जाएंगे, बुराइयां अपने आप दूर होती चली जाएंगी, यदि बुराइयों को छोड़ने की इच्छा हो गई तो, और भगवान को पाने की इच्छा हो गई तो अपने आप वो रास्ते बनते जाएंगे, भगवान ही दिखाने लगेंगे आपको वो रास्ते कि इन रास्तों से होकर के तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। लेकिन जब इच्छा ही नहीं है तो कितना भी आपको कहा जाए भजन करो, धर्म करो, कर्म करो, आते नहीं असर पड़ने वाला है। इस गोधाम महातीर्थ में हम लोग भागवत की कथा को सुन रहे हैं और महात्मा की कथा ही गोमाता से शुरू होती है। गोपुत्र गोकर्ण, संत ने जो आत्मदेव को फल दिया उस फल को गोमाता को खिला दिया धुंधली ने चुपके से कि मैं खाऊंगी तो फिर मुझे संतान होने का कष्ट सहन करना पड़ेगा, इसलिए गाय को खिला दिया। गाय के द्वारा गोकर्ण जी का जन्म हुआ और गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा सुनाकर धुंधकारी को मुक्त किया। वो गाय के पुत्र थे,
गाय से जन्म लिया तो उनके भीतर वह तेज था, वह ज्ञान था, वह सात्विकता थी, जिसके द्वारा उन्होंने एक प्रेत को भी मुक्त कर दिया, एक प्रेत को भी उन्होंने मुक्ति दी। ऐसी उनमें शक्ति थी, ऐसी उनमें दिव्यता थी। गो माता के रक्षार्थ, गो माता के सेवार्थ ये भागवत कथा हो रही है। कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास की प्रतिपदा जो 26 तारीख को थी अभी पीछे, उस प्रतिपदा को सुरभि गो माता प्रकट हुई थी और सुरभि गो माता से इस पूरे गोमंडल पर गायों की सृष्टि हुई। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ नित्य निवास करते हैं। एक बार गोपियों के साथ राधा जी के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान श्री कृष्ण थक गए और राधा जी के साथ बैठ गए। खेलते हुए क्रीड़ा करते हुए भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी और उनके मन में दूध पीने की इच्छा हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाम अंग से यानी अपने शरीर के बाएं भाग से सुरभि गाय माता को प्रकट किया। बोलिए गौ माता की। फिर सुदामा से कहा, सुदामा मुझे भूख लगी है, तुम मुझे गाय का दूध निकाल करके पिलाओ। सुदामा ने एक हांडी ली, उस हांडी में सुरभि गाय माता का दूध दोहन किया, वो दूध दूह करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया। भगवान श्री कृष्ण दूध पीने लगे, दूध पीते पीते अचानक उनके हाथ से हांडी छूट गई, छूट करके नीचे गिर के फूट गई, दूध बिखर गया। उस दूध से एक सरोवर प्रकट हुआ गोलोक धाम में, जिसे क्षीर सरोवर के नाम से जाना जाता है, जहां राधा और सभी गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण नित्य क्रीड़ा करते हैं। जैसे वृंदावन में यमुना जी में भगवान क्रीड़ा करते हैं, ऐसे ही गोलोक धाम में राधा जी के साथ उस गाय के दूध से जो क्षीर सरोवर बना, उस क्षीर सरोवर में क्रीड़ा करते हैं। बोलिए गौ माता की। उस सुरभि गाय माता से समस्त देशी गायों की सृष्टि हुई जिनकी संतानें इस धरा पर हैं। तो सुरभि गाय माता का अवतरण कार्तिक मास की प्रतिपदा यानी इस महीने में जो 26 तारीख आई थी उस दिन हुआ था और अभी 8वें दिन यानी अष्टमी को गोपाष्टमी भी हम लोग मनाएंगे। भागवत कथा में वो उत्सव आएगा गोपाष्टमी का। गो माता की इतनी महिमा है कि सुरभि गाय माता जब प्रकट हुई अब उन्हीं से यज्ञ आदि होते, घी से यज्ञ होता, यज्ञ से देवताओं को भोजन प्राप्त होता, क्योंकि हम यज्ञ कुंड में इंद्राय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा कहकर घी आदि की जो आहुतियां देते हैं वही देवताओं को प्राप्त होती है, वही उनका भोजन है। देवता अपने को गाय से श्रेष्ठ समझते थे। एक बार गाय माता स्वर्ग को गई तो देवताओं ने उनका आदर नहीं किया, उनकी उपेक्षा कर दी, आइए ठीक है चली जाएगी ब्रह्मा, उन्हें चाहिए था कि उठ करके उन्हें प्रणाम करते, उनका आदर करते, लेकिन वो उन्हें साधारण समझ करके उनका आदर नहीं करते। गाय माता कुपित हो जाती है, दूध देना बंद कर दिया और दूध देना बंद कर दिया तो पृथ्वी पर यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद हो गए। यज्ञ बंद होने से देवताओं की पूजा बंद होने से वर्षा बंद हो गई, वर्षा बंद होने से पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ गया, सारी प्रजा तड़पने लगी, भूख के कारण से सभी मरने लगे, सभी इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र को भी अपनी भूल का पता चला कि हम अहंकार के कारण गाय को साधारण समझ रहे थे और उनका हमने सम्मान नहीं किया स्वर्ग में आने पर, अब हमें गाय को प्रसन्न करना होगा। देवराज इंद्र तुरंत गोलोक धाम को गए और सुरभि गाय माता की वंदना करते हुए उन्हें प्रसन्न करने लगे। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। हे देवी, हे महादेवी, हमने आपको साधारण समझा और अब जब स्वर्ग में आई तो खड़े होकर आपका सम्मान करने की जगह, आपकी आरती वंदना करने की जगह हम अपने अपने स्थान पर बैठे रहे और चाहते थे कि आप हम देवताओं का सम्मान करें, लेकिन अब हमने जान लिया कि आप महादेवी हैं, हम सबको भी जीवन आपसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि यदि आप नहीं होती तो घी आदि कहाँ से प्राप्त होता, यज्ञ कैसे होता, और यज्ञ नहीं होता तो हम देवताओं का अस्तित्व कैसे होता।
नमो देव्यै महादेव्यै। देवराज इंद्र स्तुति करते हैं, सभी प्रजा जब भूख से तड़पने लगी, सारे देवता व्याकुल हो गए, तो गाय की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे देवी, हे महादेवी, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। सुरभ्यै च नमो नमः। हे गायों की अधिष्ठात्री सुरभि देवी, आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा प्रणाम है। गवां बीज स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। हे जगदम्बिका गो माता, आपको मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्प वृक्ष स्वरूपाय, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई जो भी कल्पना करे, वह कल्प वृक्ष उसे इच्छित वस्तु प्रदान करता है सिर्फ कल्पना मात्र से, ऐसे ही सच्चे हृदय से आपकी शरण में आकर के आपसे कोई जो भी कामना करता है, आप उसकी इच्छा को पूरी करती हो, इसलिए आप कामधेनु हो। जो कल्पना मात्र से सबकी कामना को पूर्ण करे वह कामधेनु है। कल्प वृक्ष स्वरूपाय सर्वेषां सततम् परे, जो सभी की कामना को पूरी करने वाली है। क्षीरदाये धनद्याये, जो दुग्ध प्रदान करती है। धनदाये, जो दूध ही नहीं, यदि कोई गरीब है, अर्थार्थी है, तो उसे सुखी करने के लिए जो प्रसन्न होकर के धन भी प्रदान करती है। बुद्धिदाये नमो नमः, और जो शरण में आए हुए भक्त को बुद्धि भी प्रदान करती है, जो अपने सेवक को सात्विक बुद्धि सद्बुद्धि प्रदान करती है। हे गौ माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, अब आप प्रसन्न हो। इस प्रकार जब देवताओं ने सुरभि गौ माता को प्रसन्न किया, फिर गौ माता ने दूध दिया, उस दूध से जब यज्ञ आदि प्रारंभ हुआ, तब वर्षा हुई, सभी प्रजा सुखी हुई, पृथ्वी का अकाल दूर हुआ, और इस प्रकार सृष्टि का संचालन प्रारंभ हुआ। तो गाय माता है तो सृष्टि का अस्तित्व है, गाय नहीं तो सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए देवराज इंद्र ने स्तुति करते हुए गाय को नमस्ते जगदम्बिके जगन माता कहकर के संबोधित किया। तो हम यदि ये भूल करें, जैसे देवताओं ने भूल करी कि स्वर्ग में गाय माता है, गाय दूध देती है, और क्या विशेष है इसमें, उनका सम्मान नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, जिसका परिणाम हुआ कि पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा और सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। ऐसे ही गाय को जब हम साधारण पशु समझ करके उसकी उपेक्षा करने लगेंगे, उसकी सेवा नहीं करेंगे, तो एक दिन यह सृष्टि नष्ट नाश की ओर बढ़ती चली जाएगी, शीघ्र नाश की ओर हम सभी बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए गो माता की सेवा अपने जीवन में हम सभी को अवश्य करनी चाहिए। जहाँ गो माता रहती है वहां सारे तीर्थ रहते हैं, सारे ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप से वहां विराजमान रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थों का वास और 33 कोटि देवताओं का निवास गो माता में होता है। ऐसी गो माता की शरण में हम सभी को भागवत कथा कहने और सुनने का सौभाग्य मिला है, तो इसका हम सभी को लाभ उठाना चाहिए। आज महात्म्य की कथा हुई, महात्म्य की कथा में हम सभी ने ये जाना कि उस परम पिता परमात्मा को जिसने नहीं प्राप्त किया, उसके जीवन में कभी सुख और आनंद आ ही नहीं सकता। कोई ना कोई दुख, चाहे वो अरबपति भी हो जाए, तो उसके जीवन में लगा रहेगा, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, सुख परमात्मा में। उस वह परमात्मा कृपा कब करेगा, वह परमात्मा मिलेगा कब, हमारे दुखों का आत्यंतिक उच्छेद कब होगा, जब हमारे पास 3 चीजें होंगी। भक्ति, भक्ति का क्या अर्थ है, अपने दुख सह करके भी, अपने सुखों को त्याग करके भी, सभी रूपों में परमात्मा को जान करके सबको सुख बांटना, सबकी सेवा परमात्मा समझ कर करना, यह भक्ति है। ज्ञान, अपने गुरु से क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ठीक ठीक विवेक प्राप्त करना, ये ज्ञान है। और वैराग्य, कुछ भी मेरा नहीं है, मैं सिर्फ परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, और ये सारा संसार शरीर सहित परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का, ये वैराग्य है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 3 होंगे तब हमें भीतर के जीवन का, परमात्मा का अनुभव होगा। और तीसरी जो गोकर्ण की कथा थी, उससे हम लोगों ने ये जाना, ये सीखा कि इस सृष्टि में चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, धुंधकारी से बड़ा तो पापी हो नहीं सकता, जिसने अपने माँ की हत्या की, जीवन भर चोरी किया, डकैती किया, ब्राह्मणों के भी शराब पिया, मान सकता वो धुंधकारी प्रेत हो गया पाप के कारण, लेकिन प्रेत योनि में होने के बाद भी जब उसके हृदय में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हुई, पाप से मुक्त होने की इच्छा हुई,
दुखों से छूटने की इच्छा हुई, उसने संत की यानी गोकर्ण जी की शरण ली तो उनके उपदेश से वह मुक्त हो गया। तो संसार में कोई कितना ही बड़ा पापी हो, यदि उसके हृदय में मुक्त होने की इच्छा है, भगवान के दर्शन की इच्छा है, तो संत की कृपा से, संत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। हमारे हृदय भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, कामना हो, ऐसा हम सभी को विचार करना चाहिए। कल की कथा में हम लोग प्रथम स्कंद से आगे की जो भी चर्चाएं होंगी वो सभी चर्चाएं विस्तार के साथ श्रवण करेंगे। द्रौपदी आदि का चरित्र और कुंती का चरित्र, भीष्म पितामह का चरित्र, ये सभी चरित्रों का वर्णन कल होगा। अपने आसपास भी लोगों को सूचित करके यहाँ पर आकर के प्रेम के साथ आप सबकी कथा है उस कथा को आप श्रवण करें। जितेंद्र दीक्षित जी और उनका समस्त परिवार, ये भले ही कथा के आयोजक हैं, इन्हें निमित्त बनाया गौ माता ने। निमित्त भी भगवान सबको नहीं बनाते, आपको निमित्त बनाया, लेकिन श्रोता आप सभी हैं, ये कथा आप सभी की है, क्योंकि गौशाला आप गौशाला है। ये गौशाला पे जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार आपका है। इसलिए आप जब कथा श्रवण करने के लिए आए तो ये ना सोचे कि यहाँ रूढ़ा है, यहाँ पे ग्लास फेंका हुआ है तो अब इसे कोई करेगा साफ। आप ये समझे कि ये मंदिर है, जैसे मंदिर में सफाई रखते हैं आप स्वयं जाकर के सफाई करते हैं, तो जहाँ गाय विराजती है वो तो महातीर्थ है। तो अपनी गौशाला समझ करके, आप अपना आयोजन समझ करके यहाँ पे कथा श्रवण करने के लिए आए और स्वयं से ध्यान रखें कि हाँ हम क्या सेवा कर सकते हैं। तन से जरूरी नहीं है, धन से, जो धन से कर सके धन से भी करें, जो तन से कर सकते हैं वो तन से भी आकर के सेवा करें, और जो तन धन दोनों से नहीं कर सकते कम से कम मन से तो करें, मन से बैठ करके भगवान की कथा सुने, तो निश्चित रूप से सभी का कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। तो मैं सभी संतों को पुनः प्रणाम करते हुए, गौ माता के चरणों में वंदना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गौ माता की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। हमारे एक आध भजन का हम लोग आनंद लेंगे फिर आपकी। केवल स्तुति ही है, जो संतों के चरण में लग गया उसके वंश में कोई कठिनाई नहीं आती है, यह मेरा अनुभव है। 60 साल का उम्र है, बचपन से मारे जाती थी सदगुरु के यहाँ। आप सभी सदगुरु के पुत्र हैं, सदगुरु तुल्य हैं, जो संत की संतान होते हैं वो संत ही होते हैं। हमारे परम पूज्य ऋषि बाबा जी जो इतने विराट गौशाला को संभाले हुए हैं, राम और संत जिस तत्व को जानते हैं उसको हम आप नहीं जान सकते। बस उनके चरणों में हम लोटे रहे, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। प्रथम दिवस है और जिस प्रकार का भाव के साथ यहाँ पर भागवत कथा का कार्यक्रम रखा गया है, भाव मात्र एक ही है कि कल्याण हमारा तो हो मगर हमारे साथ सभी का कल्याण हो। और वह कल्याण किस प्रकार से है, संतों के वचन के पालन कर और गौ माता के सेवा कर ही कल्याण है। इसी भाव के लिए साथ यहाँ पे भागवत श्रवण करने के लिए आप लोग आए हुए हैं। हमारे बीच बाबा अधेशानंद बाबा जी आए हुए हैं काशी से। बाल्यकाल से आपका आशीर्वाद हमारे पर और स्वामी प्रेमानंद जी है उन पर मिलता रहा है, हम लोग उनकी छत्र छाया में ही ज्ञान का अर्जन किए हैं। और कैसा आप यहाँ पर जिस प्रकार से गौ माता की सेवा हो रही है और आप गुरुजनों की अध्यक्षता में जिस प्रकार से सेवा हो रही है वह अपने आप में अतुलनीय है। सामने भगवान गोवर्धन का गोबर का स्वरूप है, वह अपने आप में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं,
किस प्रकार से जो बाल गोपाल थे, गौ माताएं थी, उनके रक्षा तुमने गोवर्धन पर्वत को उठाया और बाल गोपालों की रक्षा की। ठीक उसी भाव को लेकर यहाँ गौशाला में भागवत कथा श्रवण का कार्यक्रम चल रहा है। वर्तमान प्रवेश में गायों के लिए एक बीमारी आई हुई लंपी, उसने अपना विकराल रूप दिखाया है और कहीं ना कहीं यह हमारे पुरुषार्थ की जांच है कि हम पुरुषार्थ और भाव के साथ गौ माता की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सेवा का अवसर आपको जब मिलता है तो आप उस सेवा पे आप तत्पर हैं या नहीं है। वर्तमान में गौ माता के लिए जो इस समय समस्या आई हुई है वह बहुत विकराल है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में जो सामग्री है वह सामग्री ही गौ माता का उपचार करने में सक्षम है। हमारे घर में गुड़ है, अजवाइन है, मेथी है, काली मिर्ची है, सौंठ है, बाजरा है, तो इस प्रकार का लड्डू बनाकर हम गायों को खिला सकते हैं। और जो भक्तगण आ रहे हैं यहाँ पे नित्य, उनके लिए जो है यहाँ पे उस प्रकार के लड्डू की व्यवस्था है कि गौशाला में गाय तो स्वस्थ है, सुरक्षित है, मगर जो शहर में निराश्रित गोवंश है वह उससे पीड़ित है, तो उनके लिए आप यहाँ से वह लड्डू ले जा सकते हैं। किसी प्रकार की गाय बीमार हो तो उनके लिए यहाँ से औषधि ले जा सकते हैं। आज प्रथम दिवस था तो कहीं ना कहीं वह अव्यवस्थाएं थी, कल से आपके लिए यहाँ पे मेडिकल कैंप की व्यवस्था है, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है, और आपके घर में वह देवत्व वास हो वह औषधीय पौधे भी यहाँ से वितरण किए जाएंगे। आज हमारे बीच में विशेष गौ माता के भक्त आए हुए हैं, सूर्य नारायण दीक्षित जी की माता जी, जागे मुदगल जी, किशन मुदगल जी, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण सभा के महाध्यक्ष, उनकी पत्नी श्रीमती दीपाली तिवारी जी, श्रीमती हर्षमाला शर्मा जी, श्री भारती राजौरिया जी, भारती खेमैया जी, कृष्ण जी और विनय भूषण विद्यार्थी जी, आप लोग यहाँ पे आए। और आज भले ही यह संख्या कम दिख रही हो मगर संकल्पवान लोग खुशी होते हैं, उनके पीछे भीड़ चलती है और वह समाज को नेतृत्व करने का कार्य करते हैं। तो जो यह कथा चल रही है वह कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वह समाज में नेतृत्व करने वाले हैं और उनके यहाँ से जो विचार यह लेके जाएंगे वह जन जन तक वह संदेश पहुँचेगा। तो आज कथा की परम शुरुआत है और जो कृष्णायण गौशाला के माध्यम से आज 20,000 गोवंश की रक्षा हो रही है और स्वामी प्रेमानंद जी के द्वारा जो एक रचित भजन है, तो मैं उनसे बोलूंगा कि आरती शुरू करने से पहले कृष्णायण का जो भजन है वो आप एक बार श्रवण करा दें, उसके बाद आरती की शुरू। सच्ची राह दिखाता है, आओ हम सब मिलकर गाएं, गाए हमारी माता है। श्री कृष्णायन सब भक्तों को सच्ची राह दिखाता है, आओ हम सब मिलकर गाएं, गाए हमारी माता है। श्री कृष्णायन हम भक्तों को सच्ची राह दिखाता है, आओ हम सब मिलकर गाएं, गाए हमारी माता है। किसने की है गाय की सेवा, वे सब माला माल हुए, वे सब माला माल हुए। रघु दिलीप की देख सेवा, भगवान ने अवतार लिए, भगवान ने अवतार लिए। कृष्ण बजा कर बंसी नाचे, कृष्ण बजा कर बंसी नाचे, वन वन भेलु चराता है, आओ हम सब मिलकर गाएं, गाए हमारी माता है। आओ हम सब मिलकर गाएं, गाए हमारी
पालो तुम, गाय को घर घर पालो तुम, सारे देवता बसते इनमें, ब्रह्म गाय को मानो तुम, पापियों को पाप की है आरती।
श्रीवत्सुमा मारोग मदा